डेस्कटॉप पर आइकन्स किस तरह से रखे जाते हैं, आइकन्स को छोटा या बड़ा किस तरह से किया जाता है, क्या फायदा है डेस्कटॉप पर आइकन्स रखने का, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज मुदस्सिर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इनफिनिट। तो गाइस, जब भी हम किसी लैपटॉप या पीसी में नया विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो डेस्कटॉप पर एक ही आइकन हमें देखने को मिलता है, वो है रिसाइक्लर बिन, और वॉलपेपर भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो कैसे इन चीजों को कस्टमाइज किया जाता है, कैसे डेस्कटॉप पर आइकन्स रखे जाते हैं, वॉलपेपर को किस तरह से चेंज किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप स्टेप दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से डेस्कटॉप पर आइकन्स रखे जाते हैं, किस तरह से वॉलपेपर चेंज किया जाता है, आइकन्स का साइज छोटा या बड़ा किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फायदा क्या है डेस्कटॉप पर आइकन्स रखने का। डेस्कटॉप पर आइकन्स रखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है, वो है हमारा टाइम बच जाता है। सपोज मुझे अगर जिस पीसी में जाना है तो सिंपली मुझे यहाँ सर्च पे आना है, देन मुझे टाइप करना पड़ेगा दिस पीसी, और उसके बाद मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही जिस पीसी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्टकट आइकन होगा, जैसे कि रिसाइक्लर बिन का शॉर्टकट आइकन है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है तो रिसाइक्लर बिन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया है रिसाइक्लर बिन पर, तो रिसाइक्लर बिन ओपन हो चुका है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से डेस्कटॉप पर आइकन्स रखे जाते हैं। तो सिंपली डेस्कटॉप पर कहीं पे भी आपको कर्सर लाना है और राइट क्लिक करना है, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो नीचे के साइड आपको पर्सनलाइज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थीम्स का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो ओपन होगी, यहाँ आप देख सकते हो जितने भी शॉर्टकट आइकन्स जो हम ज्यादातर यूज में करते हैं वो यहाँ पर है, इनको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूजर फाइल्स, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, और यहाँ अप्लाई पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ ओके पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है, यहाँ आप दोस्तों देख सकते हो इनका शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो चुका है। अब अगर मुझे जिस पीसी में जाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ जिस पीसी ओपन हो चुका है। तो इसके अलावा भी बाकी जो सर्विस है उनके शॉर्टकट आइकन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली आपको कंट्रोल पैनल पे आना है, पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंट्रोल पैनल में आपको जितने भी आइटम्स दिखाई दे रहे हैं उनका आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसका शॉर्टकट मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ आप देख सकते हो नीचे क्रिएट शॉर्टकट, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ यस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया है, शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो चुका है। तो एक और शॉर्टकट आइकन हम यहाँ क्रिएट करेंगे, जिसके डेट एंड टाइम है, इस पर मुझे कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ आप देख सकते हो क्रिएट शॉर्टकट, इस पर मुझे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया है, डेट एंड टाइम का शॉर्टकट आइकन भी क्रिएट हो चुका है। तो अब इनका साइज छोटा या बड़ा किस तरह से हम कर सकते हैं, तो सिंपली मुझे डेस्कटॉप पर कहीं पे भी राइट क्लिक करना है और यहाँ व्यू पे आपको आना है। यहाँ आप देख सकते हो या तो हम लार्ज आइकन रख सकते हैं या मीडियम या स्मॉल आइकन। तो जैसे कि मैं लार्ज आइकन सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो लार्ज आइकन क्रिएट हो चुके हैं। अब इनको अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो ऑटो अरेंज पर मैंने इसको टिक मारा है पहले से ही, ओके। और यहाँ हम स्मॉल आइकन पे भी क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो स्मॉल आइकन यहाँ पर आप देख सकते हो बन चुके हैं। तो अब हम बात बैकग्राउंड इमेज हम कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की बाय डिफॉल्ट इमेज जो है वो यहाँ पर सेट है। तो यहाँ डेस्कटॉप पर कहीं पे भी आपको कर्सर लाना है और राइट क्लिक करना है, फिर से पर्सनलाइज पे आना है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो चूज योर पिक्चर, यानी कि जिस पिक्चर को आप यहाँ सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ आप देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुकी है। सेम इसी तरह से जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ तो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से डेस्कटॉप पर आइकन्स रखे जाते हैं, डेस्कटॉप पर आइकन्स रखने का क्या फायदा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह की और वीडियो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।